हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम पहली क्लास करने वाले हैं आईपीसी की। तो आईपीसी क्या है? एक भाई हमारे पूरा सिविल हम सॉरी हमारा क्रिमिनल लॉ है पूरा, जो हमें बताता है कि भाई क्या गलत काम है, क्या आपको मना करा गया है करने के लिए और आपको उसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पीनल क्या का क्या मतलब है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर पीनल। तो पीनल का मतलब होता है ऑफेंस, एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑफेंस के साथ ही उस ऑफेंस की पनिशमेंट बता दी गई हो। तो ऑफेंस प्लस पनिशमेंट इज नोन एज पीनल। अब भाई बाकी सारी एक्ट्स में तो एक्ट लिखते हैं हम, हमने यहाँ एक्ट क्यों नहीं लिखा, हमने कोर्ट क्यों लिख दिया यहाँ पर। तो कोर्ट का मतलब भाई ये है कि देखो, हम कोई नया कानून नहीं बना रहे बैठ के। समाज में शुरुआत से ही चोरी करना, डकैती डालना, मर्डर करना गलत है। हमने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, बट जो पहले से ही चीज़ें हो रही थी हमने उठा के एक जगह लिख दी है। क्योंकि आप सब ने लीगल हिस्ट्री पढ़ी है ना, वहाँ पे हमने देखा कि भैया हमारे पास 1860 तक कोई भी यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ था ही नहीं। हिंदू को शास्त्र से मतलब उनके ऊपर शास्त्र के अकॉर्डिंगली चलाया जाता था क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम्स के ऊपर कुरान से, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो 1860 में आईपीसी लिखी गई और जिससे कि हमें यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ मिला। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ ले भी लेता है वो फादर ऑफ आईपीसी। अगर किसी को पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके बताइए, और जिन्हें नहीं पता था मैकॉयले, पूरा नाम है टी बी मैकॉयले, ठीक है, टी बी मैकॉयले। तो भाई इन्होंने कहा था कि भाई इंडिया से ज़्यादा किसी भी दुनिया में, इस दुनिया में किसी भी देश को कोडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। कोडिफिकेशन मतलब होता है लिख देना कि भाई क्रिमिनल लॉ के कोडिफिकेशन की ज़रूरत इंडिया से ज़्यादा किसी देश को नहीं है, और इंडिया से ज़्यादा आसान नहीं है किसी भी देश में कोडिफिकेशन करना। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आईपीसी। अब भाई 1860 में जितनी भी एक्ट्स आई थी, 45th नंबर पर आईपीसी आई थी। 6 अक्टूबर 1860 को जो है ये कमेंस हुई थी, उस दिन से ये एनफोर्स की गई थी और आज तक चल ही रही है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स ने लेके आए थे, और टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली ज़रूरतों के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, और आज तक हम ब्रिटिशर्स वाली ही आईपीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, बात तो यहाँ क्राइम की हो रही है। क्राइम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है कि भाई क्राइम होता क्या है। तो देखो, क्राइम एक ऐसी एक्ट होती है जो कि हमारा लॉ भी फॉरबिड करता है और हमारी सोसाइटी के मॉरल्स के अगेंस्ट भी होता है। सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाले लोग इन चीज़ों को क्या करते हैं, अप्रूव नहीं करते। वो कहते हैं ये हरकतें सिविलाइज लोगों की नहीं है, तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी, चीटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो इन्हें क्राइम कहा जाता है। दोबारा देखते हैं भाई, क्राइम एक ऐसी एक्ट है जो कि हमारा लॉ भी फॉरबिड करता है, बोलता है नहीं करनी है, और जो लोग सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं वो भी इन चीज़ों को अप्रूव नहीं करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज क्राइम। अब एक क्राइम तो मिल गया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स, किन चीज़ों से मिलकर क्राइम बनता है। तो देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कोई चोट होनी चाहिए, हार्म होना चाहिए, ह्यूमन के द्वारा किया गया होना चाहिए, एक सॉवरेन स्टेट उसको मना कर रहा हो करने के लिए। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री जो कि बोलती है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मर्डर, रेप नहीं करना है। उसके लिए उन्होंने मेजर्स लिए हैं रोकने के लिए। हम क्या करते हैं, हम पनिशमेंट देते हैं। एक आदमी ने मर्डर करा, पनिशमेंट दी उसको, उसके गुनाह की सज़ा मिली, और आगे आने वाले लोग जो आगे हो सकता है क्राइम करेंगे, हो सकता है मर्डर करेंगे, वो लोग उससे डर जाएं, इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है। स्पेशल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं कोर्ट में, जो आदमी एक्यूज्ड है कि भाई इसने कोई काम करा है उसके खिलाफ एविडेंस लाए जाते हैं। अगर एविडेंस ला के पाया जाता है कि इस आदमी ने गलत करा है, गिल्टी मानते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। अगर नहीं होता गिल्टी, कुछ नहीं करा होता उसने, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, देखो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आई डोंट नो, बट CCS में 20 मार्क्स का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। वॉट इज क्राइम एंड एलिमेंट्स बोलो, एसेंशियल्स बोलो ऑफ क्राइम, आता ही आता है। कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आता ही है। और फिफ्थ सेम में आती है, BA LLB में तो हर साल पेपर हुआ है, कोविड में प्रमोट नहीं हुआ है इस सेमेस्टर में, बच्चे पेपर हुआ है, और हमेशा वॉट इज क्राइम आता है। तो भाई जब पता है हमें एक क्वेश्चन हर बार आता, तो उसे छोड़ के जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो क्राइम किन चीज़ों से मिलकर बना है? ह्यूमन बींग का कंडक्ट होना चाहिए, एक आदमी की मेंटल कंडीशन होनी चाहिए, उसने जानबूझकर करा हो, उसे पता हो मैं चोरी कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि ये काम गलत है वो फिर भी उस चीज़ को करता है।
उस जो उसने गलत चीज अपने दिमाग में सोची उसके चलते उसने कोई एक्ट करा। मैंने सोचा चोरी कर लेनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक्ट करा। क्योंकि भाई देखो, सोचने के लिए तो पुलिस नहीं पकड़ते ना। आप सोचते हो मैं इसका मार दूं, उसका खून कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। मैं तो भाई आजकल मीम्स बहुत बनते हैं कि हम डाका डाल रहे हैं, ये वो ऐसे फलानी ढिमकानी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर क्या करोगे? आप पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ मेंटल कंडीशन पे। उसके लिए कुछ एक्ट भी करी हुई हो जो आप सोच रहे हो गलत चीज़, उसके लिए आपने कोई एक्ट करी हो। तो इसीलिए एक्टर सीरियस इंपॉर्टेंट है। और इन सब से एक आदमी को इंजरी होनी चाहिए, तभी क्राइम बनता है। तो हमने क्या करा, क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंटल कंडीशन होनी चाहिए। भाई सोचा हो उसने कि मुझे ये करना है, जानकर कर रहा हो, उसकी सोच के हिसाब से एक्ट करी, और उस एक्ट से उस आदमी को, सामने वाले को इंजरी हो गई, इससे क्राइम बनता है। अब हम एक्टर सीरियस और मेन सीरिया को डिटेल में देखेंगे। काफ़ी बार ना एक और चीज़ होती है, आपको कोई काम करना था पर आपने अपना काम ओमिट कर दिया, आपको जो काम करना था आपने वो नहीं करा, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को नुकसान हो गया। देखते हैं भाई, एक्टर सीरियस दो शब्द हैं। एक्टर्स का मतलब क्या है? एक फिजिकल, कोई एक्ट करनी फिजिकली, ठीक है, अपने शरीर से कोई चीज़ करनी। रियस है, जो आपने वो फिजिकल एक्ट करी है वो क्रिमिनल नेचर की है, क्रिमिनल नेचर की कोई एक्ट करी है आपने। चोरी करना, चोरी करना इज अ क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल फिजिकल एक्ट आपने वो करी है। काफ़ी बार ओमिशन कर देते हैं लोग, जिनकी जो ड्यूटी होती है उसको नहीं निभाते, और वहीं पे क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे केस है आर वर्सेस लॉ का। देखो, आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी का एग्जाम दे रहे हो, सेक्शन लिखना पेपर में, केस लॉ लिखना पेपर में सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आईपीसी में। जब तक सेक्शन और केस लॉज नहीं लिख कर आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंजीनियर है एक, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली इंजीनियर्स होते हैं वो इंजन संभालते हैं, इंजन ठीक करते हैं। ऐसे एक आदमी है, वो क्या करता है, अपना काम छोड़ के चला जाता है। ड्यूटी है काम करना, अपने काम को ओमिट कर देता है, ड्यूटी नहीं निभाता। उस इंजन के ऊपर एक इंचार्ज छोड़ जाता है, एक लड़की को जिसे कुछ नहीं आता, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको छोड़ जाता है कि भैया तू संभाल इंजन। उसने अपना काम ओमिट करा, लड़के को आता नहीं था इंजन संभालना, इन लड़के पर इंजन संभालानी, और गड़बड़ हो गई, रायता फैल गया। तो यहाँ पे ओमिशन की वजह से वो इंजीनियर क्या हो गया, लाइबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेंटली उसको काम करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने काम नहीं करा तो उसकी जिम्मेदारी हो गई। सॉरी। उसके बाद है आर वर्सेस जॉर्डन केस। यहाँ पे क्या होता है, ए लगातार चाकू जो है मारता रहता है बी को, जिसके चलते बी की डेथ हो जाती है। भाई एफआईआर करनी थी, पोस्टमार्टम मैंडेटरी था, ले गए मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए। अब जो मेडिकल ऑफिसर ने, जिसने पोस्टमार्टम किया, उसने एविडेंस जो दिया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें उसने क्या लिख दिया कि इसकी जो डेथ हुई है वो किसी चाकू मारने से नहीं हुई, इसकी डेथ तो बीमारी की वजह से हुई। इसको एक तरीके का निमोनिया था, उसे इसकी बीमारी हो गई, उस बीमारी से इसकी डेथ हो गई। मतलब तो भाई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, उसने ध्यान से ऑटोप्सी ही नहीं करी, उसने ध्यान से अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से ए फ्री हो गया। तो एक आदमी के ओमिशन से दूसरे आदमी के मजे आ गए, पर एक आदमी अपनी जान से चला गया, जिससे कि उसके गुनहगार को कभी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस वॉज एक्टर्स रियस। अब एक आती है मेन्स रिया, ठीक है। अब भाई मेन्स रिया इसकी, आपको पता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सामने वाले इंसान को नुकसान होगा, स्टिल आप वो पर्टिक्यूलर एक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन भी है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन्सिट रिया। जब तक एक आदमी का दिमाग गिल्टी नहीं होता, जब तक एक आदमी का दिमाग गिल्टी से नहीं होता, वो मेंटली गिल्टी नहीं होता, उसकी एक्ट गिल्टी नहीं हो सकती। तो एक आदमी को पता था जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी उसने करा। और आईपीसी बहुत, आईपीसी के केसेस में कोर्ट बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है ये देखने के लिए कि क्या आदमी की मेंटल कंडीशन थी, क्या इसमें मेंजरिया प्रेजेंट था। हम आगे पढ़ने वाले में कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ पर कोर्ट मेंजरिया नहीं देखता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेंजरिया देखे जाते। अब हम जब भी कोई सेक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो हमें कैसे तो चलेगा ये मेंजरिया की बात कर रहा है। अगर आपको उनमें से कोई भी शब्द इनमें से मिले तो वो मेंजरिया की बात कर रहा है। इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंटली, रेकलेसनेस, रैशनेस, नेग्लिजेंटली, वॉलेंट्री, अगर आप इनमें से कोई भी शब्द पढ़ो तो समझ जाना वो मेंजरिया की ही बात कर रहा है। ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेट मी नो। अगर किसी को मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब रही बात भाई बैरेट कौन सी खरीदें, ठीक है, किताब तो देखो मर्जी है खरीदनी नहीं खरीदनी, बैरेट मैंडेटरी है। पहली चीज़ कोशिश करो CLA की मिल जाए, CLA की नहीं मिलती तो यूनिवर्सल पे जाना, बट हमेशा पहला अटेम्प्ट करो CLA की मिल जाए। CLA में केस लॉ ज़्यादा मिलते हैं, आपको यूनिवर्सल के लिए केस लॉज के लिए मेहनत करनी पड़ती है अलग से, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो हम दो तरीके का लॉ पढ़ते हैं ना, राइट इन परसोनम और राइट इन रैम, IPC इज राइट इन रैम। ज़रूरी थोड़ी है मारने वाले को या रेपिस्ट को पहले से जानते हो, कोई भी हो सकता है। राइट हमें हर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मिलता है, तो IPC इज राइट इन रैम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑल फॉर क्लास 1 फॉर टुडे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे मिलते हैं।